टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा इन दिनों बीजेपी की रडार पर है। बीजेपी जहां मोहित्रा पर पैसे लेकर स्पीच देने के आरोप में कार्रवाई की मांग कर रही है, तो वहीं अब मामले में टीएमसी सांसद को कांग्रेस का साथ मिल गया है। बता दें, मोहित्रा को कांग्रेस के अधीर रंजन समेत कुछ अन्य नेताओं का साथ मिला। हालांकि बावजूद इसके मोहित्रा पर अब तक टीएमसी की चुप्पी रहस्यमय बनी हुई है। टीएमसी के साथ ज्यादातर विरोधी दल भी असमंजस की स्थिति में नजर आ रहे हैं। मामले में जानकारों की माने तो पैसे लेकर संसद में सवाल पूछे जाने के मामला सामने आने के बाद से ही तृणमूल ने महुआ से दूरी बना रखी है, जबकि अन्य पार्टियों की सहानुभूति उनके साथ है, लेकिन अभी भी उस तरह से मुखर साथ नहीं मिला है जैसे कि उम्मीद लगाई जा रही थी। गौरतलब है कि महुआ मोहित्रा पर गुरुवार को उस वक्त आरोप और मजबूत हो गया जब दुबई के हीरा नंदानी ने साइन हल्फनामे में महुआ और उनके संपर्कों को स्वीकार किया। इसके बाद तृणमूल ने साफ कर दिया कि पार्टी इस मामले में नहीं पड़ेगी। टीएमसी के एक नेता का कहना था कि महुआ के मामले में तृणमूल कोई टिप्पणी नहीं करेगी, पार्टी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देगी। पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अब तक इस मामले में कोई बयान नहीं दिया है। टीएमसी नेता के इस बयान से साफ है कि तृणमूल महुआ पर लगे आरोपों से दूरी बनाने का रास्ता अपना रही है। उधर लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी महुआ मोहित्रा के समर्थन में खड़े नजर आए। अधीर रंजन का कहना था, मुझे नहीं लगता कि महुआ मोहित्रा ने कुछ भी गलत किया है। सांसद सवाल उठाएंगे, लेकिन अगर नापसंदगी का सवाल है तो उन्हें चुप करा दिया जाएगा। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा नहीं हो सकता। रिपोर्ट्स की माने तो टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा को बीजेपी सांसद के आरोप के बाद अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। गौरतलब है कि बीजेपी सांसद महुआ मोहित्रा को लेकर लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा गया था। पत्र के बाद स्पीकर ने ये मामला सदन की आचार संहिता समिति को सौंप दिया। इस समिति के चीफ सांसद विनोद सोनकर है। सोनकर ने पूरे मामले की जांच तेज कर दी है। इस बीच महुआ मोहित्रा ने सोनकर को भी आड़े हाथों लेते हुए मीडिया से सार्वजनिक रूप से बात करने को लेकर सवाल खड़े किए। साथ ही हीरा नंदानी का हल्फनामा मीडिया में लीक होने की जाँच करने की भी मांग की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।